नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा था। इसमें बात करने वाले हैं सूचना एवं जनसंपर्क के बारे में। ठीक है, राज्य का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शासन और प्रदेश की जनता के बीच निरंतर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसके माध्यम है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञप्तियां, फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, प्रदर्शनी, गीत, नाट आदि। संप्रेति सूचना विभाग द्वारा 14 परियोजनाएं चल रही हैं, जिन पर 1500 लाख प्रतिवर्ष का परिव्यय निर्धारित है। राज्य सूचना केंद्र आपका लखनऊ में है। राज्य सूचना केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। इसके अंतर्गत एक बाल एवं महिला कक्ष, रवींद्र केंद्र एवं संगीत कक्ष है। केंद्र के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर लगभग 19,000 पुस्तकें हैं। यह हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के लगभग 94 दैनिक समाचार पत्र आते हैं। 59 देसी और विदेशी पत्रिकाएं भी क्रय की जाती हैं। अब प्रदेश के 70 जिलों में सूचना अधिकारियों के अधीन क्षेत्र प्रचार इकाइयां हैं। जनसंपर्क अधिकारियों इलाहाबाद, वाराणसी तथा जिला सूचना अधिकारियों द्वारा उनके जनपदों से प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं की निरीक्षा की जाती है तथा उन्हें नियमित रूप से खबरें भेजी जाती हैं। प्रदेश के निरीक्षक जनहिंदी और उर्दू अंग्रेजी अनुवादक भी हैं, जो जिला सूचना अधिकारी की सहायता करते हैं। जिला सूचना अधिकारी अपने अपने जनपदों में सभा तथा गोष्ठी का आयोजन करते हैं एवं उनके द्वारा महत्वपूर्ण मेलों एवं प्रदर्शनियों में विचार शिविर लगाते हैं। विभाग द्वारा 3 हिंदी मासिक पत्रिकाएं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश संदेश और साहित्य, संस्कृति और विचार तथा एक उर्दू मासिक पत्रिका नया दौर नियमित प्रकाशन होता है। इसका सूचना पंचांग, डायरी तथा उत्तर प्रदेश वार्षिकी की इसके वार्षिक प्रकाशन है, जिनमें प्रदेश के विषय की सामान्य जानकारी के अलावा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का विवरण रहता है। विभाग की भी पत्र सूचना शाखा का कार्य विज्ञप्तियां भेजना है। यह शाखा विधानसभा, विधान परिषद के प्रश्नोत्तर काल का कवरेज करके संवाद भेजती हैं तथा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र तथा टेलीविजनों द्वारा प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों के लिए नित्य प्रचार सामग्री उपलब्ध कराती हैं। सूचना विभाग की निरीक्षा शाखा प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर समाचार पत्रों में शासन की नीतियों एवं क्रियाकलापों के संबंध में विकसित प्रतिक्रियाओं एवं समाचारों से अवगत कराती हैं। इसके अलावा दिल्ली तथा अन्य प्रदेशों के राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं की निरीक्षा भी स्थानीय समाचारों पत्रों की भांति की जाती है। इनकी संख्या लगभग 4,000 प्रतिदिन है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम वो शासन के समस्त विभागों के विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से देश एवं प्रदेश के दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र को उनके स्तर को देखते हुए दिए जाते हैं। शोध एवं संदर्भ शाखा द्वारा अन्य अधिकारियों तथा बाहरी पत्रकारों की सुविधा के लिए कार्य करती है। उत्तर प्रदेश से संबंधित मांगी गई सामग्री संकलित करके विभिन्न अधिकारियों तथा संस्थाओं को भेजती है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड की स्थापना 10 सितंबर 1975 को हुई। इसके द्वारा जनमानस का ज्ञान वर्धन प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और सामाजिक समस्याओं पर आधारित चलचित्रों के निर्माण तथा चलचित्र प्रदर्शन सुविधा हेतु विस्तार का उत्तरदायित्व है। विभाग की फोटो शाखा द्वारा रंगीन एवं श्वेत श्याम छोटे बड़े चित्रों का निर्माण कराया गया। कुल 1348 रंगीन, 2136 श्वेत श्याम फोटो कवरेज किए गए तथा मांगों की आपूर्ति हेतु 24,296 रंगीन तथा 22,879 चित्रों का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार का सूचना व जनसंपर्क विभाग
जिस प्रकार से विज्ञापन आदि देता है उससे वस्तु स्थिति से पर्दा नहीं उठ पाता है। इसका एक कारण तो यह है कि सरकार विपक्ष को पर्याप्त समय नहीं देती है, क्योंकि विधानसभा के सत्र कम समय तक चलते हैं, अतः जनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का समय नहीं मिलता। दूसरे शासक दल का बहुमत ज़्यादा होता है और विपक्ष को सत्ता में आने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। सत्ता पक्ष के विधायक सरकार की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करते, उससे जनता की आवाज़ दब जाती है। तीसरे, जनता में जागरूकता का अभाव है। प्रभावशाली लोग अपना कार्य एन कैन पिकारेण पूरा करा लेते हैं और सार्वजनिक हित की ओर उनका ध्यान भी नहीं जाता है। परिणाम यह होता है कि सरकारी आंकड़े उपलब्धियों को प्रदर्शित करते रहते हैं और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। यह जन संपर्क ना होकर प्रचार मात्र रह जाता है। सरकार के कथन में जनता का विश्वास ही नहीं रह गया, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों का लाभ थोड़ा सा वर्ग उठाता है, सामान्य जनता उससे वंचित रह जाती है। यह स्थिति किसी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है। प्रेस विभाग शासन से संवाद स्थापित करने के लिए श्रमजीवी पत्रकारों की सुविधाओं तथा सहूलियत की व्यवस्था माननीय मंत्रीगण तथा उच्च अधिकारियों सचिवों आदि से सुविधाजनक रूप से संपर्क बनाने के लिए समाचारों पत्रों के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए जाने आदि की व्यवस्था प्रेस विभाग द्वारा की जाती है। मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा साधारण बसों में रियायती यात्रा सुविधा तथा सरकारी कर्मचारियों की तरह उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही श्रमजीवी पत्रकारों के लिए हार्ट कैंसर किडनी से संबंधित कतिपय बीमारियों के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट सोसाइटी से 50,000 तक की धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी है। राज्य सूचना केंद्र लखनऊ नगर के जिज्ञासु तथा लेखन अध्ययन में रुचि रखने वाले नागरिकों उनके परिवारों की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए नगर के हजरत गंज में एक बहुआयामी स्तरीय एवं व्यवसायिक राज्य सूचना केंद्र स्थापित है। याद रखना है, राज्य का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शासन और प्रदेश की जनता के बीच निरंतर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जिला सूचना अधिकारी अपने अपने जनपदों में सभा और गोष्ठी का आयोजन भी करते हैं। राज्य सूचना केंद्र आपका लखनऊ में है। विभाग की पत्र सूचना शाखाओं का कार्य विज्ञप्तियों भेजना है। शोध और संदर्भ शाखा द्वारा अन्य अधिकारियों तथा बाहर के पत्रकारों की सुविधाओं के लिए कार्य करती है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हैं, इन्हें भी देख लेना, जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, परीक्षाओं में कई बार, तो याद रखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला, उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब घोषित की गई, तो याद रखना है 2004 में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दूसरा, राज्य सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। राज्य सूचना केंद्र आपका लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन है तीसरा, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है सितंबर 1975 को। क्वेश्चन चार, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला कोषागार द्वारा राज्य के कोषागार डाटा को अद्यतन रखा जाता है, तो याद रखना है ईट सैनिक सही है। ठीक है, क्वेश्चन है पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच, क्या है क्वेश्चन नंबर पाँच, स्टेट डाटा सेंटर किस वर्ष में पूर्ण रूप से क्रियाशील हुआ है, तो याद रखना 2011 में। बी ऑप्शन सही है पाँच का। क्वेश्चन छः, राज्य के समस्त ई गवर्नेंस कार्यविधियों के लिए स्थापित मुख्य नेटवर्क का नाम क्या है, तो याद रखना यूपी स्वान। ठीक है, यूपी स्वान ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात, क्वेश्चन नंबर सात, नई औद्योगिक एवं निवेश नीति के अनुसार किसी भी जिले में कितनी लागत से स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी इकाई को अग्रणी घोषित किया जाएगा, तो याद रखना 10 करोड़ या अधिक।
ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 8, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र विकासन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश संदेश, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 9, क्या है क्वेश्चन 9, यूपी निकनेट क्या है, यूपी निकनेट है राज्य सचिवालय का नेटवर्क, ठीक है ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 10, वर्ष 2004 में घोषित सूचना प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है, तो याद रखना जन जन तक सूचना प्रौद्योगिकी को पहुंचाना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को आवश्यक सुविधाएं जुटाना। तीसरा है सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर सेवाओं की घरेलू मांग में वृद्धि को प्रोत्साहन देना। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ए बी सी डी, ए बी सी तीनों कथन सही हैं, इसमें होगा डी आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये था आपका सूचना एवं जनसंपर्क। आगे हम लोग बात करेंगे सहकारिता एवं श्रम रोजगार के बारे में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होगा।